Hi everyone, this is Mayank Kothari and today I'm going to share with you a list of important questions for May 2018 exam. This is particularly for old syllabus students और इसको न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. थेरी वाला पार्ट जो नया है मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है. सो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए ये फाइल किस चीज़ के लिए अप्लीकेबल है? फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओनली. ओके, और हर चैप्टर में मैंने इस फाइल में ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये किन किन लोगों को अप्लीकेबल है. ओल्ड सिलेबस है तो ओल्ड, न्यू है तो न्यू, दोनों है तो दोनों. सो बोथ द पीपल कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फाइल, बट इट हैज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट. सो न्यू सिलेबस वालों को सब चीज़ें नहीं मिलेगी. एक चीज़ और ध्यान में रख ले, इस फाइल का पर्पस क्या है और इस फाइल को किस तरह से यूज़ करना है. इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस लिस्ट प्रॉपरली, दिस इज श्योरली गोना हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम. हाउ? ये लिस्ट कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं या एस्टिमेटेड है कि एग्ज़ाम में आएंगे. गेस वर्क कोई नहीं लगा सकता कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं. इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकती है. ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये 138 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं. लाइक मिनिमम 90% यू कैन से 90-95% कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन दिस 138 क्वेश्चंस. सो रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं हैं. How this is going to help you? This is going to help you to revise all the concepts in like less number of questions. So if you have less time, like अगर आप अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं और या फिर आपको revise करना है, इतने सारे question नहीं होंगे, दोनों group है, या फिर जो exam के एक दिन पहले आपको time मिलता है 20-22 घंटे, उस time पे क्या पढ़ना, उन सब चीज़ों के लिए ये file आपको काम आएगी. कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही कॉन्सेप्ट पे 3-4-5-6-10 क्वेश्चन कर लेते हैं और कोई और कॉन्सेप्ट्स किसी और चैप्टर के छूट जाते हैं. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. दो कॉन्सेप्ट्स इसके कर लो, दो कॉन्सेप्ट इसके कर लो, दो कॉन्सेप्ट इसके कर लो. फोकस करना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैक्सिमम क्वेश्चन का रेफरेंस मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से ही दिया है, सो एवरीबडी कैन यूज़ इट. क्लास नोट्स के मैंने खाली 2-4 क्वेश्चंस के आंसर मैंने उसमें डाले हैं जिनके मेरे को डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिले प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह में. सो लिंक वो क्लास नोट्स के. बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कवर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, रिवीजन टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. यूज इट प्रॉपरली. देर आर प्रॉपर लिंक्स गिवन टू यू बिफोर एवरी क्वेश्चन टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस लिस्ट और इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस लिस्ट, यू कैन व्हाट्सएप मी एट 8983475152. दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर. यू कैन आस्क मी द डाउट्स फॉर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई विल बी अवेलेबल मोर इन अप्रैल 2018. एंड कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू इज लाइक, मोस्ट प्रोबेबली अब मैं इतने फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ नहीं डालूंगा यूट्यूब पर. आई विल स्पेंड मोर टाइम टू सॉल्व द डाउट्स एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स आर देयर विच आई हैव टू डू. सो मे 2018 अटैम्प्ट के लिए इतना ही रहेगा. कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो उस पर, ठीक है? यूज़ दिस फाइल एंड इट इज़ श्योरली गोना हेल्प यू. मेक श्योर दैट कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हो ना कि आंसर्स निकालने के लिए. प्रैक्टिस मैनुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी तरह से प्रैक्टिस मैनुअल आपने सॉल्व करनी है. अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स वगैरह लिए हैं, चार्ट्स थोड़े से डिले हो गए थे डिस्पैच करने में बिकॉज हमको ही लेट आए थे, बट इमीडिएटली आई हैव स्टार्टेड द वर्क एंड टुमोरो मीन्स मंडे 12 तारीख को ये डिस्पैच हो जाएंगे. बाय एयर इट इज़ गोइंग टू गो. सो बहुत सारे लोगों को जल्दी मिल जाएगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, सो 2 दिन के बाद में आप एक बार मेल डाल सकते हो conferenza.in@gmail.com पे. पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू एंड एज अ लास्ट रिसॉर्ट यू कैन मेल मी @mayank.kothari@live.com. बाय बाय.